दोस्तों स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों काफ़ी दिनों के बाद एक वीडियो आज अपलोड हो रहा है मेरे इस चैनल पे, और ये वीडियो है एलटी ग्रेड रिजल्ट के बारे में। और अब आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे चैनल पर। तो दोस्तों ये एलटी ग्रेड रिजल्ट के बारे में मैंने देखा, इधर बीच में काफ़ी निराशा छात्रों के बीच में फैल चुकी है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहले मैं वो न्यूज़ आपको दिखाता हूँ जिसके कारण लोगों में इतनी निराशा फैली। दोस्तों यह न्यूज है जिसमें अखबार में छपा था कि नहीं आई जांच रिपोर्ट, अभ्यर्थियों में निराशा। निराशा इसलिए क्योंकि अभ्यर्थी गए थे एसएसपी वाराणसी से मिलने, और एसएसपी वाराणसी ने उनको बोला था कि 15 दिन के अंदर रिजल्ट दे देंगे, और वो 1 तारीख को गए थे। इसलिए छात्र अनुमान लगा रहे थे कि 15 अगस्त से पहले पहले रिजल्ट आ जाएगा। और दूसरी बात है कि छात्रों ने इसके लिए मंत्री जी से भी बात की थी, सिद्धार्थनाथ जी से बात की थी, जो कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता भी हैं। और मंत्री जी ने उनके सामने ही एसएसपी वाराणसी से बात की थी और बताया था कि 15 अगस्त से पहले जांच रिपोर्ट आने का भरोसा दिया था। अब जांच रिपोर्ट नहीं आया तो छात्र यही मान रहे थे कि ये वादा खिलाफी हुई है हमारे साथ, और इसके बाद छात्रों ने 15 अगस्त को ध्वजारोहण किया है आयोग के गेट पर और न्याय दिवस के रूप में इसको मनाने की बात की है, और अंतिम सांस तक संघर्ष करने की शपथ ली है छात्रों ने। वहाँ पे सैकड़ों छात्र वहाँ पर पहुँचे थे और कुछ आक्रामक कदम उठाने के बारे में वहाँ पे डिसीजन हुआ है। दोस्तों मोर्चा प्रतिनिधि अनिल उपाध्याय जी ने कहा था कि सरकार हमारी भावनाओं से खेल रही है, जो उचित नहीं है। हक व न्याय की लड़ाई के लिए अब आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये तो बात सही है, लेकिन 15 तारीख को 15 अगस्त था और 15 अगस्त से पहले रिपोर्ट नहीं मिली, तो उसके और भी कई कारण हो सकते हैं। और जो कुछ इम्पॉर्टेंट कारण है वो ये है कि अगर 15 दिन के अंदर एसटीएफ ने रिपोर्ट देने की बात कही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ठीक है 14 तारीख तक रिपोर्ट आ जाएगी, 2-4 दिन आगे पीछे चलता है। तो इसको थोड़ा सा समय देना चाहिए छात्रों को भी, क्योंकि रिपोर्ट मुझे लगता है कि अगले 4-5 दिनों में आ जाएगी। और अगस्त के महीने में वैसे भी काफ़ी प्रेशर होता है पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर, क्योंकि 15 अगस्त की सुरक्षा के लिए, सुरक्षा जो होती है उनकी वो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। और इस समय आपको ये भी मालूम है कि कश्मीर में धारा 370 और 35A हटाया गया वहाँ पर, तो उसके लिए भी, उसकी वजह से भी, और 15 अगस्त के नज़दीक रहने से जो सुरक्षा व्यवस्था थी पूरी की पूरी फोर्स उस तरफ लगी थी। तो इसमें क्या होता है कि वो प्रायोरिटी जो होती है थोड़ी सी चेंज हो जाती है, तो ऐसा नहीं है। और जो जांच चल रही है उसके बारे में आपको बता दें, पूरी की पूरी जांच जो है वो केंद्रित है केवल 50 लोगों पर, पूर्व परीक्षा नियंत्रक अंजू कटियार पर, और इसके साथ साथ प्रिंटिंग प्रेस के मालिक पर। इससे जिनका रिजल्ट आया है उनको कोई दिक्कत नहीं, और जिनका रिजल्ट आने वाला है उसमें हिंदी और सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थियों को दिक्कत थोड़ी सी हो सकती है। हो सकता है उनका रिजल्ट रोका जाए, हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ इसकी भी कोई 100% अभी नहीं है कि उनका रिजल्ट रोका ही जाएगा। अगर केवल 50 अभ्यर्थियों की बात की जाएगी तो केवल 50 का रोककर बाकी हिंदी और सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट भी जारी किया जाएगा, बाकी अन्य सब्जेक्ट का रिजल्ट तो जारी किया ही जाने वाला है। तो दोस्तों आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगला हफ्ता जो कि सोमवार से शुरू होगा वो आपके लिए बहुत अच्छा हफ्ता आने वाला है, गुड वीक होगा आपके लिए। इस हफ्ते में रिपोर्ट की भी उम्मीद की जा रही है, और यहाँ तक उम्मीद की जा रही है कि रिजल्ट भी सबके सब जारी कर दिए जाएंगे इसी हफ्ते में। तो नेक्स्ट वीक आपका बहुत अच्छा भी थे, इसी की शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।